अस्सलामु अलैकुम। प्याज के सॉफ्ट भजियां पकोड़े यहाँ पर बना लिए हमने। तो प्याज के क्रिस्पी पकोड़े तो बनाए जाते हैं, बट इसके सॉफ्ट भजियां भी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाते हैं। तो आज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम ये सॉफ्ट भजियां इस तरह से बनाते हैं तो घर में बच्चे और बुज़ुर्ग सभी इसे मज़े से खा लेते हैं, और ये इतने मज़े के बनते हैं ना। ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ये भजियां सॉफ्ट कांदे की किस तरह से बनाई जाती हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं, बस घर में ही अवेलेबल चीज़ों से ये आराम से भजियां हमारे बन जाते हैं। चलें देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर दो मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक डायस में मैंने काट कर लिया है, मिला लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी लें प्याज की। एक हरी मिर्च को बारीक चॉप करके मिला दिया है, और साथ ही एक छोटा चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसी के साथ एक छोटा चम्मच इसमें ये अजवाइन जाएगी। अजवाइन से बढ़िया टेस्ट आता है भजिया पकौड़े में, ज़रूर से डालिएगा। और छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लेते हैं, और यहाँ पर आधा चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं। चाट मसाले से इस भजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्याज के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी निकल जाता है प्याज का, तो थोड़ी देर मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसी के साथ एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी मिला लेते हैं, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर भी करें और फुल वॉच किया करें। यहाँ पर बेसन ले रहे हैं एक कटोरी भरकर, ये 200 ग्राम बेसन है। इतने बेसन में तकरीबन 10 से 12 भजिए आराम से बन जाते हैं। तो बेसन को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से प्याज के अंदर, हाथ से ही हम मिला लेते हैं। इस जगह पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसमें खाने का सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, वो भी आप मिला सकते हो, बट यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा नहीं मिला रही हूँ। इससे बेहतर क्या होगा कि आप इसको क्या करें, इस बैटर को जब भी अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसको कम से कम एक घंटे के लिए ढक्कन लगाकर साइड में रख दीजिएगा। इससे क्या होता है, आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है और अच्छी तरह से फूल जाता है, उससे पकौड़े सॉफ्ट बन जाते हैं। अगर आप चाहो तो बेसन मिला लीजिए, बट यहाँ पर हम नहीं मिला रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्सचर को हम मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और एक बैटर बना लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिलाते जाना है, क्योंकि इसका एक थिक सा हमें बैटर बनाना है। यहाँ पर है तो सिंपल सी रेसिपी फ्रेंड्स, बट यकीन कीजिए इतने मज़े के ये भजियां बन जाते हैं। अब इसमें हरा धनिया ऊपर से मिला लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हरा धनिया इसमें मिक्स करेंगे, अच्छा फ्लेवर आता है और दिखने में खूबसूरत भी लगते हैं भजियां। चले मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाकर एक घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आटा कितनी अच्छी तरह से फूला है। ऐसा जब आटा फूल जाता है तो भजियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। चलें भजियां बना लेते हैं। ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। छोटा छोटा पोर्शन लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से ड्रॉप करते जाएंगे। तो गरम गरम तेल में हम पहले भजियां डाल देंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं ताकि भजियां अच्छे तरह से अंदर से भी पक जाएं। ये देखें फ्रेंड्स, अपने आप ये ऑयल में धीरे धीरे ऑयल में ये सेपरेट हो रहे हैं और पलट रहे हैं खुद से, इतना हल्का फुल्का ये आटा बन गया है। एक बार से इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड इनकी सेक लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें पलट लेंगे। मेरे चैनल पर कई तरह के रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लीज़ देखिएगा। और फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखें अपने आप ये भजियां पलट रहे हैं।
अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये भजियाँ मैं सजेस्ट करूँगी आपको, आप ब्रेड के साथ एंजॉय कीजिएगा, ब्रेड के साथ भी बहुत बेस्ट लगती हैं और चपाती के साथ भी अच्छे लगते हैं और समटाइम दाल चावल के साथ तक ये भजियाँ इतने मज़े के लगते हैं ना। आप इस तरह से बनाकर, अगर कोई सब्ज़ी नहीं है, दाल चावल है, जल्दी में है, तो इस तरह की सब्ज़ियाँ भी बनाकर आप दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। तो अभी अच्छी तरह से पक गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हल्के फुलके सॉफ्ट कांदा भजियाँ हमारे यहाँ पर देखें कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। एक अच्छा सा कलर आया है इनके ऊपर। इसी तरह से सारे भजियाँ तल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं इन्हें। तो बाकी के भी इसी तरह से फ्राई करके लेते हैं। जब ये सारी भजियाँ बन जाएंगे तो हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किस तरह से ये हल्के फुलके हमारे भजियाँ बने हैं। तेल में डालते ही एक मिनट के अंदर ही ये अपने आप पलट रहे हैं, तेल में सेपरेट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा लगा हुआ है। इसी तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। सभी भजियां हमारी बनकर तैयार हैं, आप हम इन्हें प्लेटर कर लेते हैं। एक खूबसूरत सा बर्तन लिया है, इस पर टिश्यू पेपर रख लेते हैं। जिस तरह से हमें रेस्टोरेंट में वगैरह सर्व किया जाता है, उसी वे में यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा खूबसूरत लगता है इस तरह से। ये देखें, गर्मा गर्म भजी तैयार है। तो फ्रेंड्स, चले बनाएं और एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने ये भजियां बनाई थी तो किस तरह से आपने एंजॉय किया। देखें फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसके साथ एक पुदीने की चटनी भी हमने बनाई है, वो भी सर्व कर लेते हैं। पुदीने की चटनी के साथ भजियां सुपर्ब लगते हैं, और टोमेटो केचप के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी एक आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहें हमसे, इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। Close till I get up.